हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। यूनिट 7 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में चैप्टर 28 के बारे में हम पढ़ रहे थे। दिस इज मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। पिछले लेक्चर में आपको जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ाया गया और इस लेक्चर में हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन। एक डीएनए मॉलिक्यूल से दो नए डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन डीएनए रेप्लिकेशन या डीएनए डुप्लीकेशन कहलाता है। और इसी डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में इस लेक्चर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। डीएनए के रेप्लिकेशन की स्कीम वाटसन और क्रिक के द्वारा दी गई 1953 में। वाटसन और क्रिक ने जब डीएनए का डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया तो उसी के साथ साथ इन्होंने डीएनए के रेप्लिकेशन की स्कीम को भी प्रपोज किया। तो वाटसन और क्रिक के द्वारा डीएनए रेप्लिकेशन की स्कीम को भी प्रपोज किया गया 1953 में। अपने शब्दों में उन्होंने क्या बताया इसको हम समझ लेते हैं। वाटसन और क्रिक ने 1953 में ये कहा, क्यूट का मतलब है कि अपने शब्दों में उन्होंने क्या बताया। इट हैज नॉट एस्केप्ड अवर नोटिस दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड इमीडिएटली सजेस्ट ए पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म फॉर द जेनेटिक मटेरियल। वाटसन और क्रिक ने अपने शब्दों में कहा कि ये हमारी जानकारी से नहीं बच पाया कि हमने डीएनए के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बाद हम इसके रेप्लिकेशन के बारे में ना बताएं। तो 1953 में इन्होंने रेप्लिकेशन की स्कीम दी और इस स्कीम में इन्होंने बताया कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और टेम्पलेट के रूप में काम करते हैं नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस के लिए। इसको समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल यहां पर आपको हम दिखाते हैं। जैसे यहां पे एक डीएनए का स्ट्रैंड आपको दिखाया जा रहा है। वाटसन और क्रिक ने कहा कि डीएनए के जो दो स्ट्रैंड होते हैं एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। तो एक स्ट्रैंड की पोलैरिटी यहाँ पर 5' to 3' है तो दूसरे स्ट्रैंड की 3' to 5' हो जाएगी। अब यहाँ पर कुछ सिक्वेंस हम आपको दिखाते हैं, ए जी टी, ये सीक्वेंस आपको दिखाया गया। तो दूसरे स्ट्रैंड का सीक्वेंस कॉम्प्लीमेंट्री नेचर के आधार पे टी सी और ए हो जाएगा। अब इनके बीच इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। वाटसन और क्रिक ने कहा कि डीएनए रेप्लिकेशन के समय दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग कर दिए जाए इस तरीके से। एक स्ट्रैंड ये आपको दिखाया गया है 5' to 3' वाला और इस स्ट्रैंड की जो पोलैरिटी है उस पे जो सीक्वेंस है ए जी टी ये आपको बना के दिखा दिया गया। दूसरा जो स्ट्रैंड है 3' to 5' वाला इसको यहां पे बना दे रहे हैं। दिस इज 3' to 5' और इसके सीक्वेंस है टी सी ए। तो ये दोनों स्ट्रैंड अब टेम्पलेट के रूप में काम करेंगे और इन्हीं पर नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी कॉम्प्लीमेंट्री रूल के हिसाब से। तो इन दोनों टेम्पलेट के ऊपर, ये टेम्पलेट और ये टेम्पलेट, इनके ऊपर नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। जो 5' से 3' वाला स्ट्रैंड है इस पे नया स्ट्रैंड बनेगा, उसकी पोलैरिटी 3' to 5' होगी और कॉम्प्लीमेंट्री रूल के हिसाब से यहां पर थायमिन, इस प्लेस पर साइटोसिन और यहां पर एडिनिन आ जाएगा और फिर इनके बीच में यहां पर बॉन्डिंग हो जाएगी। दूसरा जो स्ट्रैंड यहां पर है इसके ऊपर
जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसकी पोलैरिटी 5' to 3' हो जाएंगी इसके कॉम्प्लीमेंट्री, और यहाँ पर जो सीक्वेंस होगा थायमिन के अपोजिट एडेनिन आएगा, साइटोसिन के अपोजिट ग्वानिन आएगा और एडेनिन के अपोजिट थायमिन आएगा। तो यहाँ पर जो ग्रीन स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं ये ओरिजिनल या पेरेंटल स्ट्रैंड हैं, और जो रेड कलर से आपको दिखाई दे रहे हैं ये नए बनने वाले स्ट्रैंड हैं। तो यहाँ पर पहले हम नेमिंग कर लेते हैं, ये आपको पेरेंट डीएनए दिखाया गया है, दिस इज द पेरेंटल डीएनए, और यहां पर एक ये डीएनए आपको नजर आ रहा है और दूसरा ये डीएनए आपको नजर आ रहा है। दीज आर कॉल्ड डॉटर डीएनए, इन्हें डॉटर डीएनए का नाम दिया जाता है। तो यानी यहां पर आप ये देख सकते हैं कि एक पेरेंटल डीएनए से रेप्लिकेशन के बाद में दो डॉटर का फॉर्मेशन होता है, यानी डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान एक पेरेंटल डीएनए से दो डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है। और इन डॉटर डीएनए में अगर आप ध्यान से देखिए तो डॉटर डीएनए में जो एक स्ट्रैंड है ये ओरिजिनल है पेरेंट की तरह और एक स्ट्रैंड नया है। दूसरी डॉटर में भी आप चेक कर सकते हैं कि एक स्ट्रैंड ओरिजिनल पेरेंट वाला है और एक स्ट्रैंड यहां पर नया है। तो डॉटर डीएनए यहां पर दो बन रहे हैं एक पेरेंटल डीएनए से, और दोनों डॉटर के अंदर एक स्ट्रैंड ओरिजिनल है और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड है, इसी को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का नाम दिया जाता है। तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन पूरा होने के बाद हर डीएनए मॉलिक्यूल के पास एक पेरेंटल और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। जैसे यहां पर हर डीएनए के पास एक पेरेंटल स्ट्रैंड है ग्रीन वाला और एक न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड है रेड वाला, इसी को सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है। यानी वाटसन और क्रिक की जो रेप्लिकेशन स्कीम है यह सेमी कंजर्वेटिव है, अर्ध संरक्षी, यानी एक डॉटर में पेरेंट का आधा डीएनए सुरक्षित है, इसलिए इसे सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन कहा जाता है। इस फिगर में भी आप देख सकते हैं रेड कलर से यहां पर पेरेंटल स्ट्रैंड दिखाया गया है और यहां पर ब्लू कलर से न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड आपको दिखाया गया। तो वाटसन और क्रिक का जो मॉडल था ये सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन है। इस सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन को पहले प्रोकैरियोट में और फिर यूकैरियोट में प्रूफ किया गया। 1953 में वाटसन और क्रिक ने बताया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, और 1958 में मिजेलसन एंड स्टॉल ने प्रोकैरियोट में और टेलर ने यूकैरियोट में प्रूफ कर दिया कि ये बात एकदम सही है, डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव ही होता है। तो अब ये प्रूफ किया जा चुका है कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिवली रेप्लिकेट होता है। इसे पहले एस्चर्चिया कोलाई नाम के बैक्टीरिया में और उसके बाद हायर ऑर्गेनिज्म में जैसे कि विसिया फाबा नाम के प्लांट में देखा गया। मिजेलसन एंड स्टॉल नाम के साइंटिस्ट ने 1958 में एस्चर्चिया कोलाई पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और उन एक्सपेरिमेंट के आधार पे ये प्रूफ किया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, अर्ध संरक्षी होता है। मिजेलसन एंड स्टॉल ने अपने एक्सपेरिमेंट में एस्चर्चिया कोलाई बैक्टीरिया को एक मीडियम में ग्रो कराया और उस मीडियम में इन्होंने अमोनियम क्लोराइड का यूज किया, और इस अमोनियम क्लोराइड में जो नाइट्रोजन था ये N15 लिया गया।
नॉर्मल आप जानते हैं नाइट्रोजन N14 होता है, तो N14 और N15 ये नाइट्रोजन के दो आइसोटॉप हैं और इन दोनों में केवल डेंसिटी या मास में डिफरेंस है। N14 लाइट आइसोटॉप है और जो N15 है ये हैवी आइसोटॉप नाइट्रोजन का है। N15 इज द हैवी आइसोटॉप ऑफ नाइट्रोजन। यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि जो N15 है दिस इज नॉट रेडियो एक्टिव, N15 रेडियो एक्टिव आइसोटॉप नहीं है, ये एक हैवी आइसोटॉप है नाइट्रोजन का और इसे हम N14 से अलग कर सकते हैं केवल डेंसिटी के आधार पे, ऑटो रेडियोग्राफी के आधार पे N14 और N15 को अलग नहीं किया जा सकता है। और चूंकि डेंसिटी के आधार पे अलग कर सकते इसलिए यहां पर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया गया। नॉर्मल डीएनए और हैवी डीएनए को एक दूसरे से अलग करने के लिए यहां पर सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक का यूज किया गया मिजेलसन एंड स्थॉल के द्वारा। जब इसर्चिया कोलाई को N15 के मीडियम में ग्रो कराया गया तो N15 डीएनए और दूसरे जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है उनमें इनकॉर्पोरेट कर जाता है, पहुंच जाता है, यानी नाइट्रोजन 15 डीएनए में, आरएनए में और प्रोटीन के अंदर इनकॉर्पोरेट कर जाता है। जब डीएनए में नाइट्रोजन 15 पहुंच गया तो इसे ट्रांसफर कर दिया गया N14 के मीडियम में। ई कोलाई जिसके अंदर N15 वाला डीएनए है इसे N14 के मीडियम में ट्रांसफर कर दिया गया, यानी नॉर्मल या लाइट अमोनियम क्लोराइड में ट्रांसफर कर दिया गया और इसके बाद एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद इनके सैंपल को निकाल के चेक किया गया कि इनका डीएनए कैसा आता है। तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट यहां पर देखेंगे। यहाँ पर इसर्चिया कोलाई बैक्टीरिया के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इस एक्सपेरिमेंट के दौरान बैक्टीरिया को N15 के मीडियम में सबसे पहले ग्रो कराया गया, तो इसका जो डीएनए है ये हैवी हो जाता है। जैसे यहाँ पर आपको डीएनए दिखा रहे हैं, दिस इज डबल स्टैंडर्ड डीएनए और इस डीएनए के दोनों स्ट्रैंड मान लेते हैं N15 वाले हैं, दिस इज N15 एंड दिस इज N15। अब इस बैक्टीरिया को ट्रांसफर कर दिया जाता है N14 के मीडियम में, इस बैक्टीरिया को N14 के मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाता है और N14 के मीडियम में ट्रांसफर करने के बाद बैक्टीरिया इसर्चिया कोलाई 20 मिनट में डिवाइड कर जाता है। तो 20 मिनट में जब ये डिवाइड करेगा तो एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे फिशन के द्वारा और फिशन के पहले बैक्टीरिया में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो डीएनए का रेप्लिकेशन जब होता है तो दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो इन दोनों स्ट्रैंड को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए और इसके बाद जो नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस हो रही है ये मीडियम के आधार पे होगी। क्योंकि N14 के मीडियम में भी इन्हें ग्रो कराया जा रहा है तो N14 को समझने के लिए हम ग्रीन कलर का यूज कर लेते हैं और नया स्ट्रैंड जो बन रहा है ये ग्रीन कलर से आपको दिखाया जा रहा है। तो नया स्ट्रैंड N14 वाला आपको दिखाई दे रहा है और जो ओरिजिनल स्ट्रैंड यहां पर है दिस इज द N15, दिस इज N15। तो यहां पर अगर आप देखते हैं इस डीएनए को आप हैवी डीएनए कहेंगे क्योंकि इसके दोनों स्ट्रैंड N15 वाले हैं और ये जो दो डीएनए आपको दिखाई दे रहे हैं दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड डीएनए, इन्हें हाइब्रिड डीएनए का नाम दिया जाएगा क्योंकि इनमें एक स्ट्रैंड लाइट है और एक हैवी है। तो फर्स्ट जनरेशन के बाद ये पहली जनरेशन आपको मिली
और फर्स्ट जनरेशन के बाद आपको जितने भी डीएनए मिलेंगे ये सब के सब हाइब्रिड मिलेंगे। अब अगर हम ये एक्सपेरिमेंट 40 मिनट के लिए कराएं, यानी दो जनरेशन के लिए, तब क्या होगा? अगर इन बैक्टीरिया को फिर से N14 के मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जाए और 40 मिनट के बाद हम सैंपल निकालेंगे, तब क्या होगा? अब 40 मिनट में ये जो दो बैक्टीरिया हैं, ये डिवाइड करके चार बैक्टीरिया बनाएंगे और चारों में डीएनए जाएगा और बैक्टीरिया में फिशन से पहले डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा। तो रेप्लिकेशन के दौरान आपको बताया गया कि डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, तो इन दोनों स्ट्रैंड को अगर एक दूसरे से अलग किया जाए तो यहां पर ये N14 आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज N14। N15 को यहां से अलग कर लेते हैं, दिस इज द N15। इसी तरह से दूसरा वाला जो डीएनए है इसमें भी N14 और N15 को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए, दिस इज N15 और ये आपको N14 यहां पर दिखाया गया है। अब मीडियम के आधार पे नए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होगी। मीडियम चूंकि N14 लिया गया है और N14 को हम ग्रीन कलर से दिखा रहे हैं, इसलिए नया स्ट्रैंड N14 वाला बनेगा, दिस इज N14। नया स्ट्रैंड N14 वाला ही बनेगा, तो सभी पे N14 वाला स्ट्रैंड यहां पर बना दिया जाए। अब यहां पर चार डीएनए का फॉर्मेशन हुआ और इन चार में से ये डीएनए और ये वाला डीएनए हाइब्रिड हो जाएंगे, दीज आर हाइब्रिड डीएनए। ये हाइब्रिड डीएनए यहां पर है और अगर आप इन दोनों को देखें, यहां पर ये वाला डीएनए और ये वाला डीएनए, तो इन दोनों में दोनों स्ट्रैंड N14 है, इसलिए इन्हें लाइट डीएनए कहा जाएगा। अगर दोनों स्ट्रैंड N15 वाले होंगे तो हैवी डीएनए कहा जाएगा, दोनों लाइट होंगे तो इन्हें लाइट डीएनए कहा जाएगा, और वन हैवी और वन लाइट है तो इसे हाइब्रिड डीएनए कहा जाएगा। तो 40 मिनट के बाद अगर यहां पर हाइब्रिड डीएनए और लाइट डीएनए का रेशियो आप निकालेंगे तो दो हाइब्रिड डीएनए मिले, ये पहला और ये दूसरा, और दो लाइट डीएनए मिले, एक ये और दूसरा ये। तो अगर सिंपल रेशियो आप निकालते हैं तो यहां पर 1:1 का रेशियो आपको मिल जाएगा। यानी सेकेंड जनरेशन की अगर आप बात करते हैं तो सेकेंड जनरेशन में 1:1 का रेशियो आपको मिलेगा हाइब्रिड और लाइट डीएनए में, जबकि फर्स्ट जनरेशन में सारे डीएनए हाइब्रिड होते हैं। तो इस तरह से कई जनरेशन तक आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगर किसी भी जनरेशन में आप देखें, जैसे फर्स्ट जनरेशन की बात करें, तो फर्स्ट जनरेशन में अगर आप इस डीएनए को देखें तो इस डीएनए में एक स्ट्रैंड जो रेड वाला है ये ओरिजिनल है, पेरेंट वाला, और जो ग्रीन वाला स्ट्रैंड है ये न्यूली सिंथेसाइज्ड है। तो यहां से ये प्रूफ हो रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। सेमी कंजर्वेटिव मतलब एक पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और दूसरा न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड होता है। तो ऐसा हम तीन और चार जनरेशन तक एक्सपेरिमेंट करके रिजल्ट निकाल सकते हैं। लैंग्वेज में अगर आप देखें, ये मिसेलसन और स्थॉल का एक्सपेरिमेंट आपको दिखाया गया है, जहां पर एक जनरेशन और दो जनरेशन के बाद जो रिजल्ट हैं ये आपको दिखाए जा रहे हैं लाइट और हाइब्रिड डीएनए के लिए। तो यहां पर अगर बात की जाए, अगर हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं कल्चर मीडियम से 20 मिनट के बाद या एक जनरेशन के बाद N15 से N14 मीडियम में ट्रांसफर करने के बाद, तो यहां पर जितने भी डीएनए हैं सभी हाइब्रिड या इंटरमीडिएट डेंसिटी के मिलते हैं। अगर हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं 40 मिनट के बाद यानी सेकेंड जनरेशन के बाद,
तो हाइब्रिड और लाइट डीएनए इक्वल अमाउंट में मिलते हैं 1:1 के रेशियो में। अगर हम थर्ड जनरेशन के बाद यानी 60 मिनट के बाद डीएनए को आइसोलेट करते हैं तो हाइब्रिड और लाइट का जो रेशियो होता है ये 1:3 होता है। और फोर्थ जनरेशन के बाद यानी 80 मिनट के बाद हाइब्रिड और लाइट डीएनए का जो रेशियो होता है ये 1:7 होता है। तो फर्स्ट जनरेशन में डीएनए केवल हाइब्रिड होता है, सेकेंड जनरेशन में हाइब्रिड और लाइट का रेशियो 1:1 आता है, थर्ड जनरेशन में हाइब्रिड और लाइट का रेशियो 1:3 आता है और फोर्थ जनरेशन में हाइब्रिड और लाइट का रेशियो 1:7 आता है। अगर हम फिफ्थ जनरेशन की बात करते हैं तो फिफ्थ जनरेशन में हाइब्रिड और लाइट का जो रेशियो होगा ये 1:15 आएगा। और अगर हम सिक्स्थ जनरेशन की बात करते हैं तो सिक्स्थ जनरेशन में रेशियो 1:31 आएगा। तो कई जनरेशन तक ये रेशियो निकाले जा सकते हैं। और आपसे दूसरी या तीसरी जनरेशन तक के लिए नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1951 में इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिजेलसन एंड स्थॉल ने ये प्रूफ किया कि बैक्टीरिया या प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। इसी तरह का एक एक्सपेरिमेंट टेलर नाम के साइंटिस्ट के द्वारा किया गया 1958 में। टेलर और उनके सहयोगियों के द्वारा, कलीग के द्वारा 1958 में उसी तरह का एक्सपेरिमेंट किया गया जैसा मिजेलसन एंड स्थॉल ने किया। और ये एक्सपेरिमेंट विसिया फाबा के ऊपर किया गया, फाबा बीन जिसे कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए टेलर ने रेडियो एक्टिव थाइमिडीन का यूज किया। और आपको पढ़ाया गया है कि थाइमिडीन इज द न्यूक्लियोसाइड। इस एक्सपेरिमेंट के द्वारा मिजेलसन और स्थॉल ने प्रूफ किया कि जो डीएनए क्रोमोसोम के अंदर पाया जाता है ये भी सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन करता है। और विसिया फाबा चूंकि प्लांट है, यूकैरियोट है, तो इससे यूकैरियोट में सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन प्रूफ हो जाता है। तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है ये वाटसन और क्रिक के द्वारा बताया गया 1953 में। 1958 में मिजेलसन एंड स्थॉल ने प्रोकैरियोट में और टेलर ने यूकैरियोट में इस बात को साबित कर दिया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। अब यहां पर हम रेप्लिकेशन के प्रोसेस को डिटेल में पढ़ेंगे और कौन कौन से एंजाइम और मशीनरी की जरूरत है इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो रेप्लिकेशन की जो मशीनरी और एंजाइम है इसको समझ लेते हैं। डीएनए के एक मॉलिक्यूल से दो डीएनए का फॉर्मेशन रेप्लिकेशन कहलाता है, यानी डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है, दिस इज डीएनए रेप्लिकेशन। और चूंकि एक रिएक्शन है जहां पर सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन रहा, और आप जानते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी रिएक्शन बिना एंजाइम के नहीं हो सकती है, तो रेप्लिकेशन के लिए भी हमें यहाँ पर कई एंजाइम की जरूरत पड़ती है। और इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एंजाइम है दिस इज डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। ये मेन एंजाइम है डीएनए रेप्लिकेशन का। और इसे डीएनए डिपेंडेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये डीएनए टेम्पलेट का यूज करता है नए डीएनए की सिंथेसिस के लिए या डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमराइजेशन के लिए। नए डीएनए की जो सिंथेसिस होती है वो न्यूक्लियोटाइड को जोड़ के होती है, और नए डीएनए की सिंथेसिस करने के लिए
ओरिजिनल डीएनए को टेम्पलेट के तौर पे यूज किया जाता है, इसलिए एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज है। इस एंजाइम की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही तेजी से काम करने वाला एंजाइम है। दिस इज हाईली इफिशियंट एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम बहुत ही तेज एंजाइम है और ये ई कोलाई में 46 लाख बेस पेयर के रेप्लिकेशन को 18 मिनट में पूरा कर देता है, यानी 4.6 मिलियन बेस पेयर का जो रेप्लिकेशन ई कोलाई में है उसे डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम 18 मिनट में पूरा कर देता है। इसका मतलब है पॉलीमराइजेशन का जो रेट होता है ये 2000 बेस पेयर पर सेकेंड है। डीएनए पॉलीमरेज एक सेकेंड में 2000 बेस पेयर को रेप्लिकेट करता है और इस तरह से जो 46 लाख बेस पेयर है इनका रेप्लिकेशन 18 मिनट में कंप्लीट हो जाता है। ये एंजाइम केवल तेज ही नहीं है बल्कि बहुत ही एक्यूरेट भी है। ये एंजाइम बहुत ही सटीक तरीके से काम करता है क्योंकि अगर कोई भी गलती हो गई रेप्लिकेशन के दौरान, एक भी बेस चेंज हो गया तो ये म्यूटेशन कहलाएगा। तो यानी ये पॉलीमरेज केवल तेज ही नहीं है बल्कि ये बहुत ही सटीक तरीके से काम करते हैं, हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक हुई रेप्लिकेशन के समय तो इसका नतीजा उत्परिवर्तन होगा या म्यूटेशन। तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल तेजी के साथ ही नहीं बल्कि सटीक तरीके से भी काम करता है, ये फास्ट भी है और एक्यूरेट भी है। इसके अलावा जो रेप्लिकेशन है ये काफी एक्सपेंसिव प्रोसेस है एनर्जी के हिसाब से अगर देखा जाए, यानी यहाँ पर रेप्लिकेशन के दौरान बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च होती है और इस एनर्जी को प्रोवाइड करने का काम एक मॉलिक्यूल करता है जिसे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट दो काम करता है, इसके डुअल पर्पज है। इस मॉलिक्यूल को शॉर्ट में कहा जाता है डीएनटीपी, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट, दिस इज डीएनटीपी। ये दो काम करता है, पहला रेप्लिकेशन के लिए डीएनटीपी सब्सट्रेट के रूप में काम करता है, दिस डीएनटीपी एक्टिंग एज सब्सट्रेट, और इसके अलावा पॉलीमराइजेशन या रेप्लिकेशन के लिए एनर्जी भी प्रोवाइड करता है क्योंकि इस डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट को अगर आप देखें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोसाइड, मान लेते हैं दिस इज न्यूक्लियोसाइड एंड ट्राइफॉस्फेट, एक ये फॉस्फेट, दूसरा ये फॉस्फेट, तीसरा ये फॉस्फेट। अब यहां पर आप जानते हैं कि फॉस्फेट और फॉस्फेट के बीच जो बॉन्ड होता है दिस इज फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड, और फॉस्फो एनहाइड्राइड बॉन्ड हाई एनर्जी बॉन्ड होते हैं। तो ये दो बॉन्ड जो आपको नजर आ रहे हैं दीज आर हाई एनर्जी बॉन्ड। एटीपी के अंदर भी इसी तरह के दो हाई एनर्जी बॉन्ड पाए जाते हैं और डीएनटीपी में भी दो हाई एनर्जी बॉन्ड हैं। यहां पर जो दो टर्मिनल फॉस्फेट हैं ये हाई एनर्जी फॉस्फेट हैं एटीपी की तरह, तो इन बॉन्ड को ब्रेक करके जो एनर्जी रिलीज होती है इस एनर्जी का यूज रेप्लिकेशन प्रोसेस के लिए किया जाता है। तो डीएनटीपी एक काम तो करता है कि ये सबस्ट्रेट के रूप में काम करता है और दूसरा ये एनर्जी प्रोवाइड करता है क्योंकि इसके पास दो हाई एनर्जी बॉन्ड पाए जाते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम के अलावा कुछ दूसरे एंजाइम की रिक्वायरमेंट भी होती है ताकि रेप्लिकेशन को सही तरीके से पूरा किया जा सके।
डीएनए के दोनों स्ट्रैंड पूरी लेंथ में एक दूसरे से सेपरेट नहीं होते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी और इतनी एनर्जी सेल के पास एक साथ अवेलेबल नहीं है। ई कोलाई में डीएनए की लेंथ 1.36 मिलीमीटर है। पूरी लेंथ में डीएनए के दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं। सबसे पहले डीएनए के दोनों स्ट्रैंड में से इनका कुछ हिस्सा एक दूसरे से अलग हो जाता है, और जो हिस्सा एक दूसरे से अलग होता है उसे रेप्लिकेशन फॉर्क का नाम दिया जाता है। तो रेप्लिकेशन की जो शुरुआत होती है ये छोटी सी ओपनिंग से होती है, जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क का नाम दिया जाता है। तो इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर ये आपको डीएनए यहां पर दिखाया गया है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और इस डीएनए का अगर रेप्लिकेशन होना है तो रेप्लिकेशन के समय ये डीएनए पूरी लेंथ में एक दूसरे से अलग नहीं होगा, बल्कि कुछ इसका कुछ हिस्सा ओपन हो जाता है, और जो हिस्सा ओपन कर जाता है इसी को रेप्लिकेशन फॉर्क के नाम से जाना जाता है। दिस इज रेप्लिकेशन फॉर्क, और जब इस हिस्से में रेप्लिकेशन पूरा हो जाएगा तो आगे का हिस्सा ओपन हो जाएगा। एक साथ पूरी लेंथ में इसलिए डीएनए के हेलिक्स ओपन नहीं हो पाते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो यहां पर अगर आप देखें इस फिगर में, तो आपको रेप्लिकेशन फॉर्क दिखाई दे रहा है, और डीएनए के स्ट्रैंड को पढ़ने का तरीका भी आपको आना चाहिए। डीएनए के स्ट्रैंड, जैसे ये दो स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ये स्ट्रैंड आपको नजर आ रहा है और एक ये स्ट्रैंड आपको दिखाई दे रहा है। ये डीएनए के दो स्ट्रैंड है जिनका कुछ हिस्सा ओपन हो चुका है, जिसे रेप्लिकेशन फॉर्क कहा जाता है। अब अगर आपसे इस स्ट्रैंड के बारे में पूछा जाए कि इसे आप क्या पढ़ेंगे, इसे 5' to 3' वाला स्टैंड बोलेंगे या 3' to 5' वाला स्टैंड बोलेंगे, तो इसका तरीका है कि आप रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ से पढ़ेंगे। यानी ये जो स्टैंड आपको दिखाया गया है, इस स्टैंड को आप रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ से पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा 3' to 5' स्टैंड। और इस स्टैंड को आप रेप्लिकेशन फॉर्क से अगर पढ़ेंगे तो इसका नाम हो जाएगा 5' to 3' स्ट्रैंड। तो यानी स्ट्रैंड को पढ़ने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए। इन्हें रेप्लिकेशन फॉर्क की तरफ से पढ़ा जाता है। अब जो स्ट्रैंड 3' से 5' पोलैरिटी वाला होता है, इसे लीडिंग स्ट्रैंड कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड लीडिंग स्ट्रैंड। और जिसकी पोलैरिटी 5' से 3' होती है, इसे लैगिंग स्ट्रैंड के नाम से जाना जाता है। दिस इज लैगिंग स्ट्रैंड। अब डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम की अगर बात की जाए, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन कराता है, 5' to 3' डायरेक्शन में। और इसकी वजह से कुछ और कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं रेप्लिकेशन फॉर्क पे। जैसे कि हम बात करते हैं लीडिंग स्ट्रैंड के बारे में, जिसकी पोलैरिटी 3' to 5' है, इस पे रेप्लिकेशन कंटिन्यूअस होता है। जैसे यहां आप देख सकते हैं लीडिंग स्ट्रैंड पे डीएनए का रेप्लिकेशन कंटिन्यूअसली होता है, जबकि अगर हम लैगिंग स्ट्रैंड की बात करते हैं, जिसकी पोलैरिटी 5' to 3' है, तो इस पे डीएनए की सिंथेसिस डिसकंटिन्यूअस होती है। लैगिंग स्ट्रैंड को अगर आप देखें तो इस पे डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। यहाँ पर छोटे छोटे फ्रेगमेंट डीएनए के बन जाते हैं, और इन फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट के नाम से जाना जाता है। लैगिंग स्ट्रैंड पर डिसकंटिन्यूअसली सिंथेसाइज फ्रेगमेंट को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कहा जाता है, और बाद में इन फ्रेगमेंट को डीएनए लाइगेज नाम के एंजाइम से जोड़ दिया जाता है।
तो यानी यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि लीडिंग स्ट्रैंड के ऊपर कंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है और लैगिंग स्ट्रैंड के ऊपर डिसकंटिन्यूअस सिंथेसिस होती है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रेप्लिकेशन की शुरुआत नहीं करा सकता है। डीएनए पॉलीमरेज अपने आप रेप्लिकेशन को शुरू नहीं कर सकता है और साथ ही साथ डीएनए में रेप्लिकेशन की शुरुआत कहीं से भी रैंडमली नहीं हो सकती है। जैसे अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें इस चर्चिया कोलाई के बारे में, तो ई कोलाई के डीएनए में विशेष प्रकार के रीजन पाए जाते हैं जिन्हें ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के नाम से जाना जाता है और ओराई वो जगह है जहां से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है। यानी डीएनए में जिस जगह से रेप्लिकेशन की शुरुआत होती है उसे ओराई का नाम दिया जाता है और इसके बारे में डिटेल में बायोटेक में आपको पढ़ाया भी जाएगा। बायोटेक्नोलॉजी में आपको बताया जाएगा कि अगर हम किसी डिजायर डीएनए को, डीएनए के किसी एक पीस को अगर हम रेप्लिकेट कराना चाहते हैं, प्रोपगेट कराना चाहते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए प्रोसीजर के द्वारा, तो इसके लिए ओराई की जरूरत पड़ेगी और इसीलिए इस डीएनए के पीस को हमें वेक्टर के साथ जोड़ के रिकॉम्बिनेंट डीएनए तैयार करना पड़ता है। अब जो वेक्टर है ये इस डिजायर डीएनए या पीस ऑफ डीएनए के लिए ओराई या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रोवाइड कराता है। वेक्टर के रूप में जो प्लाज्मिड है या फिर बैक्टीरियोफेज वायरस है ये रोल प्ले करते हैं और इस टॉपिक के बारे में आपको बायोटेक्नोलॉजी में डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ पर ये आप समझ लीजिए कि अगर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा हम किसी भी डिजायर डीएनए का रेप्लिकेशन कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ओराई की जरूरत पड़ती है, इसे वेक्टर से जोड़ना पड़ता है और वेक्टर ओराई प्रोवाइड कराता है डिजायर डीएनए के लिए या फिर पीस ऑफ डीएनए के लिए। यूकैरियोट की अगर बात की जाए तो इनमें डीएनए का रेप्लिकेशन सेल साइकिल की एस फेज के दौरान होता है, जबकि प्रोकैरियोट में डीएनए का रेप्लिकेशन फिशन से जस्ट पहले होता है। अगर सेल डिवीजन के दौरान डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाए और सेल डिवाइड ना करे तो उस केस में पॉलीप्लॉइडी अपीयर हो जाएगी जो कि एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी है। यानी डीएनए का रेप्लिकेशन अगर हो जाता है और सेल डिवीजन नहीं होता है तो इसकी वजह से पॉलीप्लॉइडी अपीयर हो जाती है और पॉलीप्लॉइडी में क्रोमोसोम के नंबर डबल हो जाते हैं। एक सेल में अगर 23 क्रोमोसोम है और उसमें पॉलीप्लॉइडी अपीयर हो जाए तो 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस टॉपिक में आपको डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में, रेप्लिकेशन की स्कीम के बारे में और साथ ही मशीनरी और एंजाइम के बारे में पढ़ाया गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम डीएनए से आरएनए के फॉर्मेशन के बारे में यानी ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।